दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिले, आपको SMS मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों इस चैप्टर को समझने के लिए आप पिछला चैप्टर पढ़ सकते हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और पिछला वीडियो देखेंगे या शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है ब्रह्मा के पुत्र मारीचि आदि प्रजापतियों के वंश का तथा प्रत्येक दिशा में निवास करने वाले महर्षियों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में कौन कौन से लोग प्रजापति थे और प्रत्येक दिशा में किन किन महाभाग महर्षियों की स्थिति मानी गई है पिछले युग में, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस जगत में जो प्रजापति रहे हैं तथा संपूर्ण दिशाओं में जिन जिन ऋषियों की स्थिति मानी गई है, उन सबको जिनके विषय में तुम मुझसे पूछते हो मैं बताता हूँ। सुनो, एकमात्र सनातन भगवान स्वयंभू ब्रह्मा सबके आदि हैं। स्वयंभू ब्रह्मा के साथ महात्मा पुत्र बताए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु तथा महाभाग वशिष्ठ। ये सभी स्वयंभू ब्रह्मा के समान ही शक्तिशाली हैं। पुराण में ये सात ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। अब मैं समस्त प्रजापतियों का वर्णन आरंभ करता हूँ। अत्रिकुल में उत्पन्न जो सनातन ब्रह्मयोनि भगवान प्राचीन ब्रही है, उनसे प्राचेतस नाम वाले 10 प्रजापति उत्पन्न हुए। उन दशों के एकमात्र पुत्र दक्ष नाम से प्रसिद्ध प्रजापति हैं। उनके दो नाम बताए जाते हैं, दक्ष और क। मारीचि के पुत्र जो कश्यप हैं, उनके भी दो नाम माने गए हैं। कुछ लोग उन्हें अरिष्टनेमि कहते हैं और दूसरे लोग उन्हें कश्यप के नाम से जानते हैं। अत्रि के औरस पुत्र श्रीमान और बलवान राजा सोम हुए, जिन्होंने सहस्त्र दिव्य युगों तक भगवान की उपासना की थी। प्रभु भगवान आर्यमा और उनके सभी पुत्र ये प्रदेश तथा प्रभावन कहे गए हैं। धर्म से विचलित न होने वाले युधिष्ठिर, सहस्रबिंदु के 10,000 स्त्रियाँ थीं, उनमें से प्रत्येक के गर्भ से एक एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन महात्मा के 1 करोड़ पुत्र थे। वे उनके सिवा किसी दूसरे प्रजापति की इच्छा नहीं करते थे। प्राचीन काल के ब्राह्मण अधिकांश प्रजा की उत्पत्ति सहस्रबिंदु से ही बताते हैं, तो ऐसा ब्राह्मण बताते हैं। प्रजापति का वो महान वंश ही विष्णु वंश का उत्पादक हुआ। युधिष्ठिर, ये सब यशस्वी प्रजापति बताए गए हैं। अब मैं तीनों लोकों पर शासन करने वाले देवताओं का परिचय दूंगा। भग, अंश, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, महाबली, विशुशान, तिष्ठा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे गए हैं। ये 12 आदित्य हैं जो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। नाशित्य और दशर, ये दोनों अश्विनी कुमार बताए गए हैं। ये दोनों अष्टम आदित्य महात्मा सूर्य के पुत्र हैं। ये तथा पूर्वोक्त देवता दो प्रकार के पितर माने गए हैं। त्रष्टा के पुत्र यशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। अजेकपाद, अहिबुर्ण्य, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, सम्यक, सुरेश्वर, साबित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र हैं। महाभाग 8 वसु के नाम पहले ही बताए गए हैं। इस प्रकार ये देवता प्रजापति मनु की ही संतान हैं। वे तथा पूर्वोक्त देवता ये दो प्रकार के पितर माने गए हैं। देवताओं में एक वर्ग ऐसा है जो सुंदर शील स्वभाव और अक्षय यौवन से संपन्न है। दूसरा वर्ग सिद्धों और साधों का है। ऋषिभु और मरुत ये देवताओं के समुदाय के नाम हैं। इस प्रकार ये विश्वदेव और अश्विन कुमार भी देवताओं के गण माने गए हैं। इन देवताओं में आदित्यगण क्षत्रिय और मरुदगण वैश्य माने गए जाते हैं। उग्र तपस्या में लगे हुए दोनों अश्विनी कुमारों को शूद्र कहा जाता है। अंगिरा गोत्र वाले संपूर्ण देवता ब्राह्मण माने गए हैं, यही विद्वानों का निश्चय है। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं में जो 4 वर्ण हैं उनका वर्णन किया गया। जो सवेरे उठकर इन देवताओं का कीर्तन करता है वो स्वयं किए हुए तथा दूसरों के संसर्ग से प्राप्त हुए संपूर्ण पाप समूह से मुक्त हो जाता है। कीर्तन का मतलब होता है
उनके गीत गाना या उनको स्मरण करना। यवकृत रेभ्य अर्भवशु परावशु औसीज कक्षीवान और बल ये अंगिरा के पुत्र हैं। तो दोस्तों इंद्र और विष्णु का नाम मैंने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन शिव जी का नाम कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि सनातन भगवान विष्णु ही हैं और ब्रह्मा हैं, शिव जी सिर्फ वरदायक देवता हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी शिवलिंग में कितना दूध वेस्ट करते हैं लोग। खैर, तात मेधातिथि के पुत्र कव्य मुनि बहिर्सत तथा त्रिलोकी को उत्पन्न करने में समर्थ सप्तर्षिगण हैं जो पूर्व दिशा में स्थित होते हैं। दोस्तों ऐसा रामायण में भी कहा गया है विष्णु जी के बारे में और ब्रह्मा के बारे में। उन्मोच विमोच बलवान शस्त्रत्रय प्रमोच ईश्वर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मित्र वरुण के प्रतापी पुत्र भगवान अगस्त्य ये ब्रह्मर्षि सदा दक्षिण दिशा में रहते हैं। उपंगु कश्यप धौम्य शक्तिशाली परिपाद एकत द्वित त्रित तथा अत्रि के महाबली प्रभावशाली पुत्र भगवान शाश्वत ये महात्मा महर्षि पश्चिम दिशा में निवास करते हैं। अत्रेय वशिष्ठ महर्षि कश्यप गौतम भरद्वाज कौशिक वंशी विश्वामित्र तथा महात्मा ऋचिक के पुत्र भगवान जमदग्नि के ये सात उत्तर दिशा रहते हैं, ये सात उत्तर दिशा में रहते हैं। अच्छा, इस प्रकार प्रत्येक दिशा में रहने वाले संपूर्ण तेजस्वी महर्षियों का वर्णन किया गया। ये महात्मा संपूर्ण लोगों के सृष्टि करने में समर्थ एवं सबके साक्षी हैं। इनका हृदय बड़ा विशाल है, इस तरह ये प्रत्येक दिशा में निवास करते हैं। इन सबका गुणगान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जिस जिस दिशा में ये महर्षि रहते हैं उस दिशा में जाने पर जो मनुष्य इनकी शरण लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और कुशल पूर्वक अपने घर को पहुंच जाता है। नेक्स्ट चैप्टर भगवान विष्णु का बड़ा रूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा और दानवों का विनाश कर देना तथा नारद को अनुस्मृतित्रों का उपदेश तथा नारद द्वारा भगवान की स्तुति। युधिष्ठिर ने पूछा, युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले महाप्रज्ञ पितामह भगवान श्री कृष्ण अविनाशी ईश्वर हैं। मैं पूर्ण रूप से इनके महत्व का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुरुष प्रवर इनका जो महातेज है, उन्होंने पूर्वकाल में जो महान कर्म किया है वो सब आप मुझे यथार्थ रूप से बताइए। महाबली पितामह संपूर्ण जगत के प्रभु होकर के भी उन्होंने किस निमित्त से तिर्यक योनि में जन्म ग्रहण किया ये मुझे बताइए। तो भीष्म जी यहाँ पे जो कुछ कह रहे हैं वो किसी ऋषि से या किसी और से सुना होगा। ठीक है, किसी और से सुनकर ही बता रहे हैं, उन्होंने खुद खोज करके उत्तर प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि वो तो योद्धा थे, ब्राह्मण नहीं थे। तो वही भीष्म पितामह किसी और से सुनकर ही कह रहे हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन पहले की बात है, मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया और मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर ठहरा। वहाँ मैंने सहस्त्र मुनियों को बैठे देखा। मेरे जाने पर उन महर्षियों ने महोपर्क समर्पित करके मेरा आतिथ्य सत्कार किया। मैंने भी उनका सत्कार ग्रहण करके उन सभी महर्षियों का अभिनंदन किया। फिर महर्षि कश्यप ने मन को आनंद प्रदान करने वाली यह दिव्य कथा मुझे सुनाई। मैं उसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। पूर्वकाल में नरकासुर आदि सैकड़ों मुख्य मुख्य दानव क्रोध और लोभ से वशीभूत हो बल के मत से मतवाले हो गए थे। इनके सिवा और भी बहुत से रणदुर्मा दानव थे जो देवताओं की उत्तम समृद्धि को सहन नहीं कर पाते थे। राजन उन दानवों से पीड़ित हो देवता देवर्षि कहीं चैन नहीं पाते थे। वे इधर उधर लुकते छिपते फिरते थे। समूचे भूमंडल में भयानक रूपधारी महाबली दानव फैल गए थे। देवताओं ने देखा यह पृथ्वी दानवों के पाप भार से पीड़ित एवं आर्त हो उठी है। ये भार से व्याकुल हर्ष और उल्लास से शून्य तथा दुखी हो रसातल में डूब रही है। ये देखकर अदिति के सभी पुत्र भय से थर्रा उठे और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण दानव लोग जो हमें इस प्रकार रौंद रहे हैं इसे हम किस प्रकार सह सकेंगे। तब स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं इस विपत्ति को दूर करने के लिए मैंने उपाय कर लिया है। ये दानव बर पाकर बल और अभिमान से मत्त हो उठे हैं। वे मूढ़ दैत्य अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु को नहीं जानते जो देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष है। उन्होंने बड़ा रूप धारण कर रखा है। वे शस्त्र घोर दैत्य और दानवाधम भूमि के भीतर पाताल लोक में निवास करते हैं। भगवान बराह वेगपूर्वक वहीं जाकर उन सबका विनाश कर देंगे।
ये सुनकर सभी श्रेष्ठ देवता हर्ष से खेल उठे। उधर महातेजस्वी भगवान विष्णु बड़ा रूप धारण कर बड़े वेग से भूमि के भीतर प्रविष्ट हुए और दैत्यों के पास जा पहुँचे। उस अलौकिक जंतु को देखकर सब दैत्य एक साथ हो वेगपूर्वक उसका सामना करने के लिए हठात खड़े हो गए, क्योंकि वे काल से मोहित हो रहे थे। उन सब ने कुपित होकर भगवान बरा पर एक साथ धावा बोल दिया और उन्हें हाथों हाथ पकड़ लिया। पकड़कर वे बरा देव को चारों ओर से खींचने लगे। प्रभु, यद्यपि वे विशालकाय दानवराज महान बल और वीरों से संपन्न थे, तो भी उन भगवान का कुछ बिगाड़ ना सके, इससे वो उन दानवेंद्र को बड़ा विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे सहस्त्र दैत्य अपने आप को जीवन के संशय में पड़ा हुआ मानने लगे। वशिष्ठ, इसके बाद योग स्वरूप योग के नियत्ता देवादिदेव भगवान बरा दैत्य और दानवों को शोभ में डालने के लिए योग का आश्रय ले बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस भीषण गर्जना से तीनों लोक और ये सारी दशा दिशाएं गूंज उठी। उस भीषण गर्जना से समस्त लोकों में हलचल मच गई। स्वर्गलोक में इंद्र आदि देवता भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस सिंहनाद से मोहित होकर समस्त चराचर जगत अत्यंत चेष्टा रहित हो गया। तदनंतर वे समस्त दानव भगवान की उस गर्जना से भयभीत हो प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे सबके सब भगवान विष्णु के तेज से मोहित हो अपनी शुद्धबुद्ध खो बैठे थे। रसातल में जाकर भी भगवान बरा ने देवद्रोही असुरों को अपने खुरों से वितीर्ण कर दिया। उनके मांस मैदा और हड्डियों के ढेर लग गए थे। संपूर्ण प्राणियों के आचार्य और स्वामी महायोगी वे भगवान पद्मनाथ अपने महान सिंहनाद के कारण सनातन माने गए हैं। उनके उस सिंहनाद को सुनकर सब देवता जगदीश्वर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुँचकर वे सब प्रकार बोले, देव प्रभु, यह कैसा सिंहनाद है, इसे हम लोग नहीं जानते। वो कौन वीर है अथवा किसकी गर्जना है जिसने इस जगत को व्याकुल कर दिया है। देवता और दानव सभी उसके तेज से मोहित हो रहे हैं। महाबाहु, इसी बीच में बड़ा रूपधारी भगवान विष्णु जल से ऊपर उठे। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये महाकाय महाबली महायोगी भूतवाहन भूतात्मा भगवान विष्णु हैं, जो दानव राजा का वध करके आ रहे हैं। ये संपूर्ण भूतों के ईश्वर योगी मुनि तथा आत्मा के भी आत्मा हैं। यही संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाले श्री कृष्ण हैं। अतः तुम लोग धैर्य धारण करो। अनंत प्रवास से परिपूर्ण महातेजस्वी एवं महान सौभाग्य के आश्रयभूत ये भगवान अनंत उत्तम और दूसरों के लिए असंभव कार्य करके आ रहे हैं। सुश्रेष्ठगण, ये महायोगी भूतवाहन महात्मा पद्मनाभ हैं। अतः तुम्हें अपने मन से संताप भय एवं शोक को दूर कर देना चाहिए। यही विधि है, यही प्रभाव है और यही संस्कार संघारकारी काल है। इन्हीं परमात्मा ने संपूर्ण जगत की रक्षा करते हुए ये भीषण सिंहनाद किया है। ये संपूर्ण भूतों के आदि कारण सर्वलोक वंदित ईश्वर महाबाहु कमल नयन अच्युत है। युधिष्ठिर ने पूछा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण महाप्रज्ञ पितामह, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले तत्व चिंतनों को मृत्यु काल में किस मंत्र का जप करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, मृत्यु का समय उपस्थित होने पर किसका चिंतन करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। भीष्म जी ने कहा, राजन निष्पाप नरेश, तुमने जो प्रश्न उपस्थित किया है वो उत्तम युक्ति युक्त और सूक्ष्म है, उसे सावधान होकर सुनो। जो पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था वही मैं तुमसे कहता हूँ। जिनका वक्षस्थल श्री वस्त्र चिन्ह से सुशोभित है, जो इस जगत के बीच मूल कारण है, जिनका कहीं अंत नहीं है तथा जो इस जगत के साक्षी है, उन्हीं भगवान नारायण से पूर्व काल में नारद जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, भगवान, महर्षिगण कहते हैं आप अविनाशी परब्रह्म निर्गुण एवं तमोगुण से अतीत विद्या के अधिपति परम धाम स्वरूप ब्रह्मा तथा उनकी प्रकट भूमि आदि कमल की उत्पत्ति स्थान हैं, भूत और भविष्य के स्वामी परमेश्वर, श्रद्धालु और जितेंद्रिय भक्तों तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले योगियों को आपके स्वरूप का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए। तो ये एक चित्र है, ये बरा का चित्र है। मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर किस जपनीय मंत्र का जप करे और योगी किस प्रकार निरंतर ध्यान करे, आप इस सनातन तत्व का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद का ये वचन सुनकर वाणी के अधिपति वरदायक भगवान विष्णु ने नारद जी से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवर्षि,
मैं हर्षपूर्वक तुम्हारे सामने इस दिव्य अनुस्मृति का वर्णन करता हूँ, मृत्युकाल में जिसका अध्ययन और श्रवण करके मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। नारद आदिकाल में ओंकार का उच्चारण करके मुझे नमस्कार करे, अर्थात एकाग्र एवं पवित्र चित्र होकर इस मंत्र का उच्चारण करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति। भगवान के ऐसा कहने पर नारद जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए और उन जगदीश्वर सर्वात्मा एवं पापहारी प्रभु श्री विष्णु से बोले। नारद जी ने कहा, प्रभु, जो अव्यक्त सनातन देवता सबकी उत्पत्ति का कारण पुरुषोत्तम अविनाशी और परम पद स्वरूप हैं, उन भगवान विष्णु की मैं हाथ जोड़कर शरण लेता हूँ। जो पुराण पुरुष सबकी उत्पत्ति के कारण नित्य अक्षय और संपूर्ण जगत के साक्षी हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर है, उन भक्त वत्सल भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो संपूर्ण लोकों के स्वामी तथा संरक्षक हैं, जिनके सहस्त्र नेत्र हैं तथा जो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, उन अद्भुत परमपद रूप भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। समस्त लोगों के तेष्टा और सब और मुख वाले अनंत सत्य अच्युत और संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान पद्मनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जो हिरण्यगर्भ अमृत रूप पृथ्वी को गर्भ में धारण करने वाले परात्पर तथा प्रभु के भी प्रभु हैं, उन अनादि अनंत तथा सूर्य के समान कांति वाले भगवान श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ। जिनके सहस्त्र मस्तक हैं, जो अंतर्यामी आत्मा हैं, तत्वों का चिंतन करने वाले महर्षि कपिल स्वरूप हैं, उन सूक्ष्म अचल वारण्य और अपरिपद भगवान श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ। जो पुरातन ऋषि नारायण हैं, जुगात्मा हैं, सनातन पुरुष हैं, संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान और अविनाशी ईश्वर हैं, उन भगवान श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ। जो संपूर्ण भूतों के प्रभु हैं, जिन्होंने इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है, तथा जो चर और अचर प्राणी के गुरु हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। जिनमें पद्म योनि पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है तथा जो वेद और ब्राह्मणों की योनि है, वे विश्वात्मा विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्राचीन काल में महाप्रलय प्राप्त होने पर जब सभी चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं का भी लय हो जाता है और संसार की छोटी बड़ी सभी वस्तुएँ लुप्त हो जाती है तथा संपूर्ण भूतों का क्रमशः लय होकर जब प्रकृति में महत्त्व भी विलीन हो जाता है, उस समय जो एकमात्र शेष रह जाते हैं, वे विश्वात्मा विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। चार चार, दो पाँच और दो इन सहस्त्र अक्षरों वाले मंत्रों द्वारा जिन्हें आहुति दी जाती है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। मेघ पृथ्वी सत्य काल धर्म कर्म और कर्म का अभाव, ये सब जिनके स्वरूप हैं, गुणों के भंडार रूप हैं, वे साम वर्ण भगवान वसुदेव मुझ पर प्रसन्न हो। जो अग्नि चंद्रमा सूर्य तारागण ब्रह्मा रुद्र इंद्र तथा युगियों के भी तेज को जीत लेते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। योग के आवास्थान आपको नमस्कार है। सबके निवास स्थान वरदायक यज्ञ गर्भ सुनहरे रंग वाले पंच यज्ञमय परमेश्वर आपको नमस्कार है। आप श्री कृष्ण बलभद्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध इन चार रूप वाले परम धाम स्वरूप लक्ष्मी निवास परम पूजित सबके आवास्थान और प्रकृति के भी प्रवर्तक है वसुदेव आपको नमस्कार है। आप अजन्मा अगस्त मार्ग है निराकार है अथवा जगत के संपूर्ण आकार आप ही धारण करते हैं, आप ही संगारकारी रुद्र हैं। आप प्रातः संगप मध्यांत अपरांत और सायंकाल इन पांच कालों को जानने वाले हैं ज्ञान सागर आपको नमस्कार है। जिन अव्यक्त परमात्मा से इस व्यक्त जगत की उत्पत्ति हुई है, जो व्यक्त से परे और अविनाशी है, जिनसे उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, शरण में आया हूँ। प्रकृति और महत्व ये दोनों जड़ है, पुरुष चेतन और अजन्मा है। इन दोनों शर और अक्षर पुरुष से जो उत्कृष्ट विलक्षण है, उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा और शिव आदि देवता जिन भगवान का सदा चिंतन करते हैं, चिंतन करते रहने पर भी उनके स्वरूप के संबंध में किसी निश्चय तक नहीं पहुंच पाते, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। ज्ञानी और ध्यानपरायण जितेंद्रिय महात्मा जिन्हें पाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं, उन भगवान श्रीहरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो सर्वव्यापी परमेश्वर इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण करके स्थित है, जो किसी इंद्रिय विशेष के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाते तथा जो निर्गुण और नित्य है, उन परमात्मा की मैं शरण में जाता हूँ। आकाश में जो सूर्य और चंद्रमा का तेज प्रकाशित होता है तथा तारागणों की जो ज्योति जगाती रहती है, वो सब जिनका ही स्वरूप है, वे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जो समस्त गुणों के आदि कारण
और स्वयं निर्गुण हैं, आदि पुरुष लक्ष्मीमान चेतन अजन्मा सूक्ष्म सर्वव्यापी तथा योगी हैं वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञान योगी कर्म योगी तथा जो दूसरे दूसरे सिद्ध और महर्षि हैं वे जिन्हें जानकर इस संसार से मुक्त हो जाते हैं वे परमात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो अव्यक्त सबके अधिष्ठाता अचिंत्य और सत असत से विलक्षण हैं, आधार रहित एवं प्रकृति से श्रेष्ठ हैं वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो जीवात्मा रूप से पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूपी मुखों द्वारा शब्द और पांचों विषयों का उपभोग करते हैं तथा स्वयं महान होकर भी जो गुणों का अनुभव करते हैं वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो सूर्यमंडल में सोम रूप से स्थित होते हैं, उस सोम के भीतर जो अलौकिक दीप्ति है वो जिनका स्वरूप है वे परमात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। सर्वस्वरूप परमेश्वर आपको सब ओर से नमस्कार है। आपके सब और नेत्र मस्तक और मुख है निर्विकार परमात्मन आपको नमस्कार है। आप प्रत्येक क्षेत्र शरीर में साक्षी रूप से स्थित हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो भगवान विष्णु का मूर्ति का पूजा करते हैं वो असली मूर्ति नहीं है, ठीक है। वो उनका असली शरीर या असली आकार नहीं है। असली आकार वो है जो अर्जुन ने अपने आँखों से देखा था महाभारत में, गीता में, ठीक है। और विष्णु का कोई आकार है ही नहीं, कोई रूप है नहीं। वो गीता अगर आप पढ़ेंगे विश्वरूप दर्शन वाला चैप्टर तो पता चलेगा। इंद्रियातीत परमेश्वर आपको नमस्कार है। व्यक्त लिंगों द्वारा आपका ज्ञान होना असंभव है। संसार में जो आपको नहीं जानते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है। और निराकार को आकार बनाकर मूर्ति बनाकर पूजना ये गलत है। जो काम और क्रोध से मुक्त राग द्वेष से रहित तथा आपके अनंत भक्त हैं वही आपको जान पाते हैं। जो विषयों के नरक में पड़े हुए द्विज हैं वे आपको नहीं जानते हैं। जो आपके अनन्य भक्त द्वंद्व से रहित तथा निष्काम कर्म करने वाले हैं, जिन्होंने ज्ञानमयी अग्नि से अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया है वे आपके प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाले पुरुष आप में ही प्रवेश करते हैं। आप शरीर में रहते हुए भी उससे रहित हैं तथा संपूर्ण देहधारियों में समभाव से स्थित हैं। जो पुण्य और पाप से मुक्त हैं वे भक्तजन आप में ही प्रवेश करते हैं। अव्यक्त प्रकृति बुद्धि अहंकार मन पंच महाभूत तथा संपूर्ण इंद्रिया सभी आप में हैं और उन सब में आप हैं, किंतु वास्तव में ना उनमें आप हैं ना आप में वे हैं। एकत्व अन्यत्व और नानात्व का रहस्य जो लोग अच्छी तरह जानते हैं वे आप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आप संपूर्ण भूतों में सम हैं। आपका ना कोई द्वेष पात्र है ना प्रिय। मैं अनन्य चित्त से आपकी मुक्ति के द्वारा समत्व पाना चाहता हूँ। चार प्रकार का जो ये चराचर प्राणी समुदाय है वो सब आपसे व्याप्त है। जैसे सूत में मणियाँ पिरोए होते हैं उसी प्रकार ये सारा जगत आप में ही ओतप्रोत है। आप जगत के तृष्टा भोक्ता और कुटस्थ हैं। तत्वरूप होकर भी उससे सर्वथा विलक्षण है। आप कर्मों के हेतु नहीं है, अविचल परमात्मा है। प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक जीवात्मा रूप में आप ही विद्यमान हैं। वास्तव में प्राणियों से आपका संयोग नहीं है। आप भूत तत्व और गुणों से परे हैं। अहंकार बुद्धि और तीनों गुणों में आपका कोई संबंध नहीं है। ना आपका कोई धर्म है ना कोई अधर्म, ना कोई आरंभ है ना जन्म। मैं जरा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए सब प्रकार से आपके शरण में आया हूँ जगन्नाथ। आप ईश्वर हैं इसलिए परमात्मा कहलाते हैं। देव सुरेश्वर भक्तों के लिए जो हित की बात हो उसका मेरे लिए चिंतन कीजिए। विषय और इंद्रियों के साथ फिर मेरा कभी समागम ना हो। मेरी ज्ञानेन्द्रिय पृथ्वी तत्व में मिल जाए और रसना जल में, नेत्र त्वचा वायु में, ज्ञानेन्द्रिय आकाश में और मन वैकारिक अहंकार में मिल जाए। अच्युत इंद्रिया अपनी अपनी योनि में मिल जाए। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, मन समस्त प्राणियों को मोहने वाले अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त प्रकृति में मिल जाए। जब प्रधान प्रकृति को प्राप्त हो जाए तब मेरा समस्त इंद्रिय और उनके विषयों से वियोग हो जाए। तब मैं तुम्हारे लिए परम मोक्ष की आशंका रखता हूँ। आपके साथ मेरा एक ही भाव हो जाए। इस संसार में फिर मेरा जन्म ना हो। मृत्यु काल उपस्थित होने पर मेरी बुद्धि आप में ही लगी रहे, मेरे प्राण आप में ही लीन रहे, मेरा आप में ही भक्तिभाव बना रहे और मैं सदा आपकी शरण में पड़ा रहूं। इस प्रकार मैं निरंतर आपका ही स्मरण करता रहूं।
पूर्व शरीर में मैंने जो दुष्कर्म किए हो उनके फलस्वरूप रोग व्याधि मेरे शरीर में प्रवेश करे और नाना प्रकार के दुख मुझे आकर सताएं। इन सबका जो मेरे ऊपर ऋण है ये उतर जाए। देवेश्वर, मैंने इसलिए आपका स्मरण किया है कि फिर मेरा जन्म ना हो, अतः फिर कहता हूँ कि मेरे कर्म नष्ट हो जाए और मुझ पर किसी का ऋण बाकी ना रह जाए। पूर्व जन्म में जिस कर्मों का मेरे द्वारा संचय किया गया है वे सभी रोग मेरे शरीर में उपस्थित हो जाए। मैं सब ऋण से उत्तीर्ण होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, नारद, मैं उस सौभाग्यशाली भक्त का हूँ जो, और वो भक्त भी मेरा सनातन सखा है। तो इसका मतलब है कि भगवान विष्णु सबका सखा है, सबका मित्र है। भगवान पिता के समान नहीं है बल्कि मित्र के समान है, बंधु के समान है, दोस्त के समान है। यही कह रहे हैं नारद, और विष्णु भी नारद से कह रहे हैं। अर्जुन कृष्ण के दोस्त थे, मित्र थे, इसीलिए शायद उन्होंने अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखाया था। ठीक है, तो भगवान दोस्त हैं और कुछ नहीं है। भगवान से डरना नहीं है, भगवान को सम्मान करना है। उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और ना वही कभी मेरा दृष्टि से ओझल होता है। साधक 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखकर उन 10 इंद्रियों को मन में विलीन करे। मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में लगाए। 5 इंद्रियों को संयम में रखकर बुद्धि के द्वारा परस्पर परमात्मा का अनुभव करे कि यह परमेश्वर मेरा है और मैं इसका हूँ तथा इसी ने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं ही अपने आप को परमात्मा के ध्यान में लगाकर निरंतर उनका स्मरण करें। तदनंतर बुद्धि से भी परे परमात्मा को जानकर मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मृत्यु का आने पर इस प्रकार मेरा स्मरण करता है वो पुरुष पहले का पापाचारी रहा हो तो भी परम गति को प्राप्त होता है। समस्त देहधारियों के परमात्मा तथा भक्तों के प्रति एकमात्र निष्ठा रखने वाले उस सनातन भगवान नारायण को नमस्कार है। यह दिव्य वैष्णवी अनुस्मृति विद्या है। मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सोते जागते और श्रद्धा करते समय जहाँ कहीं भी इसका जप करता रहे। पूर्णिमा, अमावस्या तथा विशेषतः द्वादशी तिथि को मेरे श्रद्धालु भक्तों को इसका स्मरण कराए। यदि कोई अहंकार का आश्रय लेकर यज्ञ दान और तप रूप कर्म करे तो उसका फल उससे मिलता है, परंतु वो आवागमन के चक्कर में डालने वाला होता है। जो देवताओं और पितरों की पूजा पाठ, होम और बलिवेश देव करते तथा अग्नि में आहुति देते समय मेरा स्मरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यज्ञ दान और तप ये मनुष्य पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, अतः यज्ञ दान और तप का निष्काम भाव से अनुष्ठान करें। नारद, जो मेरा भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए केवल नमस्कार मात्र बोल देता है वो चांडाल ही क्यों ना हो, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु बहुत ही आसान भगवान है, उनको पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा पूजा पाठ या भजन करने की जरूरत नहीं है। ये श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, लेकिन फिर भी मंदिर जाते हैं, जब वो उपवास रखते हैं कुछ लोग, है ना, दूध डालते हैं लिंग में, ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर जो साधक मन और इंद्रियों को संयम में रखकर मेरे आश्रित हो श्रद्धा और विधि के साथ मेरी आराधना करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है। तो मतलब भगवान विष्णु को पाना बहुत ही आसान है। देवर्षि सारे कर्म और उनके फल आदि अंत वाले हैं, परंतु मेरा भक्त विनाशशील फल का उपभोग नहीं करता, अतः तुम सदा आलस्य रहित होकर मेरा ही ध्यान करो, इससे तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी और तुम मेरे परम धाम का दर्शन कर लोगे। जो धर्मोपदेश के द्वारा अज्ञानी पुरुष को ज्ञान प्रदान करता है तथा जो किसी को समूची पृथ्वी का दान कर देता है तो उस ज्ञानदान का फल इस पृथ्वी दान के बराबर ही माना जाता है। नरेश्वर नारद, इसलिए साधु पुरुष को जन्म और बंधन के भय को दूर करने वाला ज्ञान ही देना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान देकर मनुष्य कल्याण और बल प्राप्त करता है। जो 10 लाख अष्टमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर ले वो भी उस पद को नहीं पा सकता जो मेरे भक्तों को प्राप्त हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं, सुब्रत, इस प्रकार पूर्वकाल में देवर्षि नारद के पूछने पर कल्याणमय भगवान विष्णु ने उस समय जो कुछ कहा था वो सब तुम्हें बता दिया।
तो ये भीष्म पितामह ने किसी और से सुना होगा, किसी ऋषि से या साधु से, वही चीज़ युधिष्ठिर को बताया। तुम भी एकाग्रचित होकर उन गुणातीत परमात्मा का ध्यान करो और संपूर्ण भक्ति भाव से उन्हीं अविनाशी परमात्मा का भजन करो। भगवान नारायण का कहा हुआ ये दिव्य वचन सुनकर अत्यंत भक्तिवान देवर्षि नारद भगवान के प्रति एकाग्रचित हो गए। जो पुरुष अनंत भाव से 10 वर्षों तक ऋषि प्रभु नारायण देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करता है, वो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिसकी भगवान जनार्दन में भक्ति है, उसे बहुत से मंत्रों द्वारा क्या लेना है। ओम नमो नारायण यह एकमात्र मंत्र ही संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला है। इस प्रकार गोपनीय अनुस्मृति विद्या का अध्ययन करके भगवान मनुष्य भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त कर लेता है। वो सारे दुखों को दुख करके संकट से मुक्त एवं वितराग हो इस पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करता है। नेक्स्ट चैप्टर गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण संबंधित आदिमा तत्व का वर्णन।